ये हैं जयपुर की ऋचा चौधरी। ऋचा चौधरी ने राजस्थान 10वीं बोर्ड में 97% अंक प्राप्त कर परिवार वालों का नाम रोशन कर दिया। हालांकि इस सफलता के दौरान उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी और वह अपने गोल पर हमेशा फोकस रही। ऋचा के पिता उनकी एग्जाम की तैयारी के दौरान कैंसर से जूझ रहे थे, लेकिन इन सब चीजों के बावजूद उन्होंने अपनी तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़ी और 10वीं बोर्ड में टॉपर्स की लिस्ट में जगह बनाई। मेरा नाम ऋचा चौधरी और मैंने सिद्धि विनायक इंटरनेशनल अकेडमी स्कूल में पढ़कर 97.00% बनाई है। और ऋचा के टॉप करने पर स्कूल के प्रबंधक रमेश कुमार ने ऋचा के पिता का साफा पहनाते हुए सम्मान किया। वहीं टॉपर लिस्ट में आने पर स्कूल प्रबंधन ने ऋचा को 1,00,000 रुपए की स्कॉलरशिप और 11,000 रुपए का चेक भी दिया। आपको बता दें कि ऋचा के पिता अशोक सामोता कैंसर से पीड़ित है और मां रेत के धोरों की नगरी जैसलमेर में सरकारी अध्यापक है। पिता की बीमारी की चिंता और मां से दूरी हमेशा ऋचा को परेशान करती रही, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। ऋचा ने किशनगढ़ रेनवाल की सिद्धि विनायक इंटरनेशनल एकेडमी में पढ़ते हुए स्कूल में किया है। ऋचा ने हिंदी में 94, इंग्लिश में 96, साइंस में 100, सोशल साइंस में 96, मैथमेटिक्स में 99 को संस्कृत में 97 अंक प्राप्त किए हैं। सफलता का श्रेय मैं टीचर्स और पेरेंट्स को देना चाहूंगी और इस सफलता के लिए टीचर्स ने मेरे को स्कॉलरशिप दी है और 11,000 का चेक दिया। ऋचा ने बताया कि वह IAS ऑफिसर बनना चाहती है। ऋचा की साइंस सब्जेक्ट में अच्छी रुचि होने के कारण वह अब 11वीं क्लास में साइंस लेंगी। 12वीं के बाद वह UPSC की तैयारी करेगी और कलेक्टर बनकर देश की सेवा करेगी। आगे चलकर IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। लोकल 18 के लिए जयपुर ग्रामीण से काजल मनोहर की रिपोर्ट।